हरिओम सभी को, वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, हमने लिया है मूंगफली, इसे आज हम भूनेंगे। और ये हमने लिया है बड़ा वाला साबूदाना है, इसे भी भूनकर मूंगफली में ही मिलाएंगे। मखाना को भी इसी में मिलाएंगे, मखाना भी भून के डालेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रखा है और उसमें हम डाल रहे हैं देसी घी। और अब हम इसमें मखाना डाल देंगे, मखाना डाल के फिर भून लेंगे। ये देखिए, मखाना भून गया है। एक हम आपको उठा के दिखाते हैं, ये देखिए अच्छी तरीके से भून गया है, फूट जाता है। ये देखिए, कढ़ाई में हमने घी डाला है, घी मेल्ट हो रहा है। अब ये साबूदाना को भूनेंगे, बड़ा वाला साबूदाना है। घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें साबूदाना को डाल देंगे। साबूदाना देखिए भून गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, सभी साबूदाना को हमने भून के निकाल लिया है और अब हम मूंगफली भूनेंगे। देखिए कितने अच्छे फूटे हैं हमारे साबूदाना, कितना अच्छा फूला हुआ है। और अब हम मूंगफली को भून रहे हैं, जिसमें हमने साबूदाना को भूना था उसी घी में हम मूंगफली को भून रहे हैं। घी बच गया था तो हम उसी में भून रहे हैं। ये देखिए, मूंगफली भून गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, मूंगफली को भी हमने निकाल लिया है। हमने लिया है एक भगोना और भगोने में डाल रहे हैं, ये साबूदाना भुने थे इसे डाल देंगे। और ये मखाना डाल देंगे, मखाना को हमने डाल दिया है और अब हम मूंगफली डाल देंगे। सभी को हमने डाल दिया है और मूंगफली अभी गर्म है इसलिए हम हाथ से नहीं मिला रहे हैं, और इसे हाथों से मिला लेंगे। ये देखिए, और इस ये व्रत रेसिपी है, इसमें आप सेंधा नमक डाल दीजिए और घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, नमक वमक कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मेरे यहाँ जो व्रत रहेगा आज उसमें नमक नहीं खाएगा, तो इसलिए हम इसे बेकार करना नहीं चाहते हैं। तो इसमें आप नमक डाल लीजिए और चिली फ्लेक्स डाल लीजिए, बढ़िया आराम से व्रत में ऐसे ही बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, और हरिओम बोलना भी एकदम ना भूलें। हरिओम सभी को, हरिओम।